दिल्ली में बीजेपी का वनवास खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले 15 साल कांग्रेस और फिर बीते 5 आम आदमी पार्टी, जिसके 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक बीजेपी ने दिल्ली फतह करने के लिए अपने तमाम सांसदों और नेताओं को दिल्ली के रणभूमि पर उतार दिया। लेकिन एक बार फिर दिल्ली की सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथों से फिसलकर आम आदमी पार्टी की झोली में गिर गई। एक बार फिर आपने 2015 का जीत दोहराते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की। 63 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी को फिर से स्पष्ट बहुमत मिला है। वहीं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत 350 सांसदों और नेताओं के प्रचार प्रसार के बाद बीजेपी के खाते में आई है केवल 7 सीटें। आखिर बीजेपी के हाथ क्यों नहीं आती दिल्ली? दिल्ली में आखिरी बार बीजेपी की सरकार 1993 में बनी थी, जिसमें बीजेपी को 49 और कांग्रेस को 14 सीटें हासिल हुई थी, जिसके बाद बीजेपी नेता मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। 1996 में उनकी जगह साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया और 2 साल के बाद महज 51 दिन के लिए दिल्ली की कमान सुषमा स्वराज को मिली थी। 2013 में मिला था मौका। 1998 से 2013 तक दिल्ली की कमान कांग्रेस की शीला दीक्षित के हाथों में रही। उन्होंने 15 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभाई, जिसके बाद 2013 में हुए चुनाव में बीजेपी ने 34 सीटें हासिल की थी, लेकिन सरकार बनाने के लिए 70 में से 36 सीटों की दरकार थी। ऐसे में बीजेपी महज 2 सीटों की वजह से सरकार बनाने से रह गई, जिसके बाद आप और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना ली। हालांकि ये गठबंधन भी 2 साल बाद टूट गया। लोकसभा में फतेह तो विधानसभा में शिकस्त क्यों? 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने फतेह हासिल की थी, लेकिन विधानसभा के 70 सीटों में से बीजेपी के खाते में आई केवल 7 सीट। तो सोचने वाली बात ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिस जनता ने लोकसभा में बीजेपी पर भरोसा जताया था, उसी जनता ने विधानसभा में बीजेपी को नकार दिया। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर लड़ रही थी। वहीं बीजेपी ने भले ही प्रचार के लिए मैदान में बड़े बड़े दिग्गज उतार रखे हों, लेकिन मुख्यमंत्री का कोई चेहरा बीजेपी ने जनता के सामने नहीं रखा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने तय एजेंडे के तहत जनता के सामने अपने 5 साल के कार्यकाल का ब्यौरा रखा और उसी के आधार पर वोट मांगा। अरविंद केजरीवाल ने 2019 लोकसभा चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए दिल्ली की जनता के सामने अपने हर एक काम को रखना शुरू किया। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के आधार पर लोगों से वोट मांगे। दिल्ली चुनाव में जिन अनाधिकृत कॉलोनियों को बीजेपी अपना सबसे बड़ा मुद्दा मान रही है, वहाँ दिल्ली की आप सरकार ने बिजली पानी के कनेक्शन की व्यवस्था की। विकास का दावा और केजरीवाल का चेहरा आम आदमी पार्टी के हक में चला गया और दिल्ली की सत्ता की चाबी अगले 5 साल के लिए एक बार फिर आपके हाथों में चली गई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।